हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड। दिस इज सचिन सैनी और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का अपना नया प्रोजेक्ट जो कि है क्विज ऐप। तो आज हम क्विज ऐप बनाने वाले हैं, जो ये वर्जन 1 है हमारा। धीरे धीरे हम वर्जन अपने अपलोड करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट वर्जन हम देख रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन को हार्ड कोडेड लेंगे, एक अच्छा सा ऑसम सा यूआई डिजाइन करेंगे और उसको वर्किंग भी बनाएंगे। पहले उसका डेमो देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है, उसके बाद समझेंगे अपने कोड को किस तरीके से हमने इसको डेवलप किया है, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, ठीक है, जिस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, ठीक है? उसी हिसाब से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? तो आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लास्ट में आपका आंसर दिखाई देगा, ठीक है? लास्ट में आपको यहाँ पे स्कोर दिखाई देगा। तो हमारे टोटल 4 क्वेश्चन थे जिनमें 2 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और 2 गलत किए थे, ठीक है? ये आपका क्विज ऐप होने वाला है। चलिए अब समझते हैं अपने कोड को और ओपन करते हैं अपना वीएस कोड एडिटर। तो आ गए हम अपने वीएस कोड एडिटर में, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, किस तरीके से मैंने फाइल्स को रखा हुआ है। तो एक हमने फोल्डर है जिसके अंदर हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रखी है अपनी, स्टाइल डॉट सीएसएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस और एक रिजल्ट पेज डॉट एचटीएमएल। टोटल 4 फाइल्स हमने यहाँ पर बनाई हुई है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सारी फाइल समझाऊंगा, पहले इसका बता देता हूँ क्या क्या कंटेन कर रही है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वही हमारे सारे क्वेश्चन वगैरह जितने भी, वो सब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में है। स्क्रिप्ट में हमने लॉजिक लिखा है, स्टाइल हमने स्टाइल लगाई है, रिजल्ट पेज में जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आ रहा था, स्कोर आ रहा था, वो हमने इसमें रखा है कोड। तो एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल समझते हैं। सबसे पहले हमने वही काम किया है कि हमने इसको लिंक कराया अपनी सीएसएस को और जावास्क्रिप्ट को, इतना काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारा काम होता है कि जो हमारा बॉक्स है उसको हमें सेंटर में लेके आना है, जो हमने कंटेनर बनाया है, ठीक है? जो हमारा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा था ये वाला, ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है? तो ये आपको सेंटर में लाना है। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ये हम तरीका अपनी सीएसएस में समझेंगे, ठीक है? पहले मैं एचटीएमएल का पार्ट समझा रहा हूँ आपको। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया है, ठीक है? डिप टाइप का कंटेनर है, उसके अंदर हमने क्या किया है, जो आपको टेक्स्ट है क्विज ऐप वो पी में रखा है हमने। क्वेश्चंस के लिए एक और डिप बनाया है हमने, ऑप्शन कंटेनर के लिए सेपरेट डिप है और एक इनपुट टाइप में हमने बटन रख दिया है, ठीक है? इतना आपका बेसिक है। अब इस जो डिव हमने क्वेश्चन बनाया है इसके अंदर हम 2 टैग रखते हैं, स्पैन, एक आई क्वेश्चन जिसको मतलब एक स्पैन टैग है जिसको हमने आईडी क्वेश्चन नंबर दी है, दूसरा है जिसको क्वेश्चन टेक्स्ट दिया है। तो जो आपका ये है क्वेश्चन नंबर, इसको हमने सेपरेट दिया है और ये हमारा स्पैन टैग सेपरेट है, ठीक है? और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने जो हमारा ऑप्शन कंटेनर था इसमें हमने टोटल 4 इनपुट रेडियो बटन बनाए हैं हमने, जिनके आपके लेवल्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली इसमें है क्या, देखिए इसको हमने सबको टाइप रेडियो दिया है, सबका नेम सेम है, इसका ऑप्शन है, इसका भी ओपीटी है, इसका भी ओपीटी है, इसका भी ओपीटी है, ठीक? इनको सबको आईडी अलग अलग दी हुई है, उसके हिसाब से हमने फॉर्म में यहाँ पे लेवल क्रिएट किया है। तो ये वाला जो लेवल है आपका इस वाले इनपुट के लिए है, ये वाला इस वाले के लिए है, इसी तरीके से नीचे वाले हैं, ठीक है? फिर इसके बाद लेवल को हमने सेपरेट आईडी दे दी है, इसको हमने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इस तरीके से हमने लेवल को भी आईडी दे दी है, ठीक है? ये हमारा बेसिक एस्टिमेट का स्ट्रक्चर है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ कुछ अगर ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब समझते हैं अपना सीएसएस वाला पार्ट, कि हमने कैसे उसको स्टाइल किया है। उससे पहले, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो पहले वो काम जरूर कर दें, उसके बाद सीएस को हम शुरू करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अब हम स्टाइल डॉट सी एस एस अपनी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारी ये यूनिवर्सल स्टाइल है वो क्या है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अपनी यूनिवर्सल स्टाइल शीट में लगा दिया है, ठीक, क्लियर? उसके बाद जो हमारा कंटेनर है उसको हम कैसे सेंटर में लाए हैं वो समझना स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका कंटेनर है उसको सेंटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से इजी वे में इसको सेंटर किया है। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाई, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेनर सेंटर की हेल्प से, तो हमारा कंटेनर को सेंटर में ले आए हैं।
अलाइन आइटम सेंटर आपका वाई एक्सिस के अलोंग काम करता है, जस्टिफाई कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट आपका वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग काम करता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। बैकग्राउंड में हमने इमेज लगाई है वही लीनियर ग्रेडियंट, तो पर्पल और ये जो कलर है आपका दूसरा, इसका मिक्सचर हमने यहाँ पे लगाया है। बॉडी को हमने मिनिमम हाइट 100 व्यू हाइट दे दी है, उसको विड्थ हमने 100% दे दिया। उसके बाद जो हमारा कंटेनर है, जो आपका एक कंटेनर है, उसको हमने स्टाइल लगाई, ठीक है। उसको हमने क्या करा, उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से स्टाइल किया है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर। अब उसको जो है, जो उसके आइटम थे वो आपके रो में आ रहे थे, एक रो में, ठीक है। तो हमने उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की हेल्प से मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की हेल्प से कॉलम में कर दिया, ठीक। मिनिमम हाइट उसकी 400 पिक्सल रखी है कंटेनर की, विड्थ 400 पिक्सल रखी हुई है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखा है, बॉर्डर रेडियस आपकी 15 पिक्सल की है, बॉक्स शेडो लगाई है हमने यहाँ पे, जिसमें आपका एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट, ब्लर रेडियस और ये आपकी होती है स्प्रेड रेडियस, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी है। बॉक्स शेडो मैंने सीएसएस ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट है, उसमें जो वीडियोस पड़ी हुई है उन्होंने प्रॉपर समझाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप को जब भी समझ में नहीं आते तो आप कमेंट करिए, मैं उसको प्रॉपर आप डेप्थ इन डेप्थ ट्यूटोरियल बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। कमेंट में आप बोल सकते हैं। ओवरफ्लो हमने इसमें हिडन रखा है, पैडिंग हमने इसको 10 पिक्सल दी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा हेडिंग टेक्स्ट उसमें स्टाइल लगाई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, और गाइस अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से। तो हेडिंग टेक्स्ट में हमने क्या किया, जो कलर है आपका उसको हमने पर्पल रखा है, जो आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको वो पर्पल है, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज लार्जर रखा है, फॉन्ट वेट बोल्ड रखा है, मार्जिन हमारा 10 पिक्सल का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, जो ये है जो हमारा क्वेश्चन है डिव, तो हमने क्लास क्वेश्चन दिए, ठीक। उसको हमने स्टाइल लगाई, उसको हमने क्या किया, मार्जिन ले लिया 8 पिक्सल का, तो बाहर से 8 पिक्सल का मार्जिन ले रहा है वो। बॉक्स शेडो लगाई है उसको, उसके बाद उसको बॉर्डर रेडियस दिया है, ठीक। कुछ पैडिंग दी है, फॉन्ट साइज लार्ज रखा है, फॉन्ट वेट उसको ये दिया, फॉन्ट फैमिली और टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा है। तो आपको पता ही होगा किस तरीके से आ रहा है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो ये आपका जो है बॉक्स शेडो आ रही है, बॉर्डर रेडियस भी ले रहा है और कुछ पैडिंग है अंदर से, और इसका जो फॉन्ट वेट है कुछ हमने 530 पिक्सल का रखा है, ठीक है। ये हमने बेसिक साइज में रखी हुई, ठीक। उसके बाद जो आपका ऑप्शन कंटेनर है, जो ऑप्शन कंटेन करता है उस पर हमने स्टाइल लगाई, उसको भी हमने क्या किया है, देखिए उसको भी हमने डिस्प्ले फ्लक्स प्रॉपर्टी लगाई उसके ऊपर और फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है, ठीक है। मार्जिन हमने रखा है देखिए टॉप और बॉटम से, और फिर लेफ्ट और राइट से दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी, 6 पिक्सल 12 पिक्सल की वैल्यू से लेगा। विड्थ हमने उसको 100 पिक्सल 100% रखी हुई है उसकी विड्थ, तो उसकी विड्थ ये कंप्लीट कंटेनर के बराबर विड्थ ले रहा हुआ है अपनी, और उसके अंदर की जो पैडिंग है वो हमने 10 पिक्सल कर दी है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इतने में। अब उसके अंदर जो है हमने इनपुट बटन बनाए थे जिसका टाइप है रेडियो, तो आप इसको रेडियो बटन बोल सकते हैं। तो रेडियो बटन आपको दिखाई देंगे, अगर हम विजिबिलिटी हिडन ना करें तो आपको यहाँ पे रेडियो बटन दिखाई देंगे। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको रेडियो बटन यहाँ पे आ रहे हैं। इसको हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे इसको विजिबिलिटी की हिडन कर दी। तो कैसे किया, इनपुट कंटेनर जो क्लास है उसके अंदर के जो इनपुट आपके टैग्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबकी विजिबिलिटी हिडन कर दीजिए। इसी के साथ जो आपका लेवल है उसको स्टाइल कर दो, मतलब उसको कुछ बॉक्स शेडो लगा दो, उसको कुछ पैडिंग दे दो, बॉर्डर रेडियस और इसको ट्रांजिशन ड्यूरेशन कुछ दे देते हैं हम। यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमने ड्यूरेशन दे दी 0.5 सेकेंड। वो हमने क्यों दी है, क्योंकि जब भी हम उस पर क्लिक करें थोड़ा सा उसमें टाइम लगना चाहिए, मतलब दूसरा कुछ स्मूथ इफेक्ट दिखाई देना चाहिए उसमें। वो कहते देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं वो काम, कि ऑप्शन कंटेनर के अंदर जो इनपुट है वो जब भी चेक होगा, ठीक है, तो उसके इमीडिएट जो लेवल है, उसके इमीडिएट जो लेवल टैग है, इमीडिएट का मतलब जैसे मान लो ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो उसके तुरंत बाद कौन सा लेवल है, ये प्लस का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो उसके इमीडिएट लेवल जो टैग है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, कलर जो आपका टेक्स्ट का है वो व्हाइट कर दो, और बॉक्स शेडो को थोड़ा सा हमने चेंज किया है यहाँ पे, बॉक्स शेडो चेंज हो जाएगी, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। उसके बाद जो हमारा लास्ट बचा बचा नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन को हमने थोड़ा सा स्मूथ स्टाइल इसमें लगाई है, इसमें ट्रांजिशन वही सेम प्रॉपर्टी, और इसको पैडिंग भी 10 पिक्सल की, बॉर्डर कुछ रखा नहीं है, बैकग्राउंड कलर पर्पल रखा है हमने, कलर इसको व्हाइट दिया है, ठीक है, जो उसको टेक्स्ट कलर व्हाइट आएगा, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की, बॉक्स शेडो उसको दे दिया हमने, ठीक है, फॉन्ट साइज लार्ज रखा है, फॉन्ट फैमिली इसको दे दी है, आप इसमें गूगल फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, गूगल फॉन्ट्स आप गूगल की वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, सिंपल आपको टाइप करना है गूगल फॉन्ट, वहां पे आपको आ जाएगा। अगर आपको वो नहीं आ रहा करना तो कमेंट में बोलिए, मैं आपको सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब भी नेक्स्ट बटन एक्टिव होगा तब उसकी बॉक्स शैडो को नन कर देना है। ट्रांजिशन हमने प्रॉपर्टी लगाई है, इससे भी थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है, वो क्लिकेबल लग रहा है, दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करते हो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा CSS, अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट की तरफ, जो हमारा एक्चुअल वर्किंग हमारी कैसे हो रही है वो सब समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका CSS कोड है, इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, जो है script.js। तो अब समझते हैं हमने जावास्क्रिप्ट में कैसे इसको हैंडल किया है। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन थे उसको हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया, तो ये हमारी एरे है, ठीक है, ये एरे है आपकी, और उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये होगी आप उसका नेम, ठीक है, और ये होगी वैल्यू, ठीक। इसी तरीके से हमने ऑप्शंस भी बनाए हैं, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये नेम हो गए, उनकी वैल्यूज हो गई हैं। एक हमने करेक्ट नेम रखा है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका एक क्वेश्चन को रेफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड क्वेश्चन रख लिए हैं उसी फाइल के अंदर ही, और हम यहाँ पे उसको मतलब स्टोर करा के यहीं से यहीं पे ले ले रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं चाहिए इतने में, बस सिर्फ हमने यहाँ पे अभी क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया पहले, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डोम की हेल्प ली है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी की हेल्प से हम जितने भी हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं सबको यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करा लिया, जैसे कि हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसको यहाँ पे स्टोर करा लिया, क्वेश्चन नंबर एलिमेंट वेरिएबल में, क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन थे आपके, ये आपके लेवल में हमने आईडी दिए इनको, ठीक है, इतना है, ठीक है, हमने लेवल में ली थी तो उन लेवल्स को हम यहाँ पे इसमें स्टोर करा लिया है, ठीक। उसके बाद हमने बटन को भी यहाँ पे ले लिया है। फिर हमने 2 वेरिएबल दिए हैं, करंट क्वेश्चन नंबर और स्कोर, ये आपका स्कोर कंटेन करेगा और ये करंट क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका चल रहा है, 0 1, मतलब क्वेश्चन नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये स्टोर करेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमने आगे क्या किया है। तो उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है, तो क्वेश्चन, तो ये क्या करता है, आपका क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो करने के काम में आता है, तो इसको समझाता हूं मैं, देखिए इसको हम समझेंगे बाद में, इसको अभी स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, इसको समझाऊंगा बाद में। सबसे पहले हमें सेट करना है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे कुछ होता नहीं है टेक्स्ट, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है बाय डिफॉल्ट का मतलब, जब भी आपका मतलब जो आपका क्विज ऐप है उसको ओपन करेंगे, index.html ब्राउजर में ओपन करेंगे, तो कुछ तो क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए ना स्टार्टिंग में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको फंक्शन को लास्ट में कॉल करा रहे हैं कि जब भी ये लोड होगी तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तुरंत, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर एलिमेंट में जो करंट क्वेश्चन नंबर है जो 0 है उसमें 1 जोड़ के यानी कि 1, ठीक है, 1 उसमें रख दे रहे हैं और साथ में डॉट्स को कॉन्केटिनेट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा 1 डॉट, और फिर उसके बाद टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन टेक्स्ट एलिमेंट डॉट एचटीएमएल में आ जाएगा आपका क्विज क्वेश्चन, यानी कि जो आपकी एरे है उसकी इंडेक्स हो जाएगी 0, यानी कि क्विज क्वेश्चन 0, एक डॉट क्वेश्चन जो आपकी जो जिसका नेम क्वेश्चन है उसका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। उसी तरीके से हमने ऑप्शन में भी ऑप्शन रख दिए, तो कुछ क्वेश्चन 0.opt में हमने यहाँ पे वो रख दिया है, मतलब जो ऑप्शन 1 में स्टोर करा दिया HTML में, इसी तरीके से ऑप्शन 2 में, फिर ऑप्शन 3 में, फिर ऑप्शन 4 में, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप समझ में आया इतना।
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कि जब भी हमारा नेक्स्ट बटन क्लिक होगा तो उसको हमने क्या किया है। देखिए उस पे हमने क्या किया कि नेक्स्ट बटन है हमारा, उसने एड इवेंट लिसन कॉल किया कि जब भी वो क्लिक हो तो एक एरो फंक्शन कॉल हो जाए, जब भी वो क्लिक हो तो एक एरो फंक्शन कॉल हो जाए। और उस एरो में क्या होगा, क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उसमें, देखिए कि क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। तो जो आपका इनपुट टैग है और जिसका नेम ओपीटी है, जिसका नेम ओपीटी है, तो जब भी वो चेक होगा, ठीक है, अगर वो चेक होता है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या चीज, दो चीजें स्टोर होंगी, या तो आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है या फिर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है फिर भी आपने नेक्स्ट बटन प्लेस कर दिया है, प्रेस कर दिया है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट की है तो वो पूरा टैग उठ के, मतलब वो पूरा एक तरीके से जैसे आपने लिखा, इनपुट में दिखा देता हूँ आपको एचटीएमएल फाइल में जाके, तो ये पूरा जो है आपका ये इनपुट वाला पार्ट उठ के, मान लीजिए आपने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया तो इतना पूरा आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा ऑप्शन आईडी सेलेक्ट। ठीक, अगर आपने नहीं किया तो नल आएगा, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि ऑप्शन आईडी सेलेक्ट अगर नल है तो अलर्ट कर दो कि प्लीज सेलेक्ट वन ऑप्शन, अदरवाइज अदरवाइज क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे हैं कि करेक्ट आंसर अपने एरे में से ले ले रहे हैं, तो ऑप्शन करेक्ट क्या करेगा, करेक्ट आंसर को स्टोर करेगा। वो कैसे निकालेंगे, हम क्विज क्वेश्चन नाम की आपके एरे है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और डॉट करेक्ट वाली वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो उसमें स्टोर हो गई। ठीक, वो उसमें स्टोर हो गई, फिर हम क्या करेंगे, जो आपका ये है ऑप्शन आईडी सेलेक्ट, उस टैग में जो भी आईडी आपकी आ रही है, क्योंकि हमने आईडी क्या रखी है, ओपीटी वन, ओपीटी टू, ओपीटी थ्री, ओपीटी फोर, सेम वे में हमने ऑप्शन जो रखी हुई यहाँ पे करेक्ट की वैल्यू, उसमें भी ओपीटी वन, ओपीटी टू रखे हैं, तो अगर वो इसके इक्वल है तो स्कोर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, इनिशियली स्कोर 0 था, हमारा स्कोर इनिशियली 0 था तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर दूसरा सही हुआ तो फिर 2 हो जाएगा, फिर तीसरा सही हुआ 3 हो जाएगा, चौथा सही हुआ 4 हो जाएगा, इसी तरीके से इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक, कोई डाउट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, करंट क्वेश्चन नंबर को तुरंत के तुरंत इंक्रीमेंट कर देना है, क्योंकि एक तो हमारा स्कोर जुड़ चुका है। ठीक है, अगर नहीं जुड़ेगा तब भी हमें इंक्रीमेंट करना ही है। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि हम नेक्स्ट बटन ने प्रेस कर दिया तो हमारा काम इसको जोड़ने वाला तो हो गया, अब हमें क्वेश्चन को नेक्स्ट करना है, तो हमने करंट क्वेश्चन नंबर को एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर इतना। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए उसके बाद समझाता हूँ। हाँ, तो अगर हम जैसे आपका करंट क्वेश्चन नंबर को कैसे इंक्रीमेंट होगा, देखिए सबसे पहले 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जब थ्री होगा मतलब फोर्थ क्वेश्चन आपका हैंडल हो चुका है, यहाँ पे फर्स्ट हुआ क्वेश्चन हैंडल, यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे अब इसकी वैल्यू 4 होगी, 4 होने का मतलब है कि वो खत्म हो गया क्वेश्चन सारा। ठीक है, यहाँ पे जब थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 का मतलब अब आपके क्वेश्चन बचे नहीं है इस एरे की हेल्प से, मतलब इस एरे के तरीके से, अगर आप क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं तो जितने आपके क्वेश्चन होंगे उस नंबर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन थे तो 3 तक पहुंचेगा, जब 4 पे आएगा तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि करंट क्वेश्चन नंबर को 0 कर देना है, ये नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें लोकल स्टोरेज का हेल्प लेना है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में जो आपका स्कोर है, मतलब स्कोर में, स्कोर पे हमें क्या करना है कि जो आपका स्कोर आ रहा है उसको स्टोर करा देना। तो लोकल स्टोर में क्या होगा, एक स्कोर समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, कि स्कोर नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपका स्कोर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कहीं और लोकल स्टोरेज से गेट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लोकल स्टोर का यूज किया है। ठीक, इतना ही आपका स्कोर रहेगा उसमें स्टोर हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, रीडायरेक्ट कर देना है रिजल्ट पेज डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, तो आप सीधे सीधे दूसरी फाइल में पहुंच जाएंगे, वहां हम इसके स्कोर को दिखा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए हम शो क्वेश्चन कॉल करेंगे। ठीक है, शो क्वेश्चन कॉल करेंगे, और ये जो शो क्वेश्चन है इनिशियली में बाहर कॉल करना है, जिससे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब जब शो क्वेश्चन कॉल होगा, तो मैं बोल रहा था कि इसको बाद में समझाऊंगा, अब समझाता हूँ इसको। जो
जो आपका ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल है ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमें जब भी दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो हमने जो पहला क्वेश्चन मतलब सपोज करिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमने 2 सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो ये आपका ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा वहां पे, तो उसको हमें हटाना है। तो हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और जो इनपुट है आपका एलिमेंट उसमें का नेम ओपीटी है, जिसका नेम ओपीटी है उस पर एक हमने लूप कॉल किया है फॉर ईच। अब यहाँ पे क्या पास होगा, यहाँ पे आपका पूरा इनपुट जो एलिमेंट का टैग था पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो इनपुट था आपका और टाइप आईडी नेम सब इसमें जो था पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये पास होगा। तो अगर आपके पास टोटल 4 इनपुट टैग थे तो एक एक करके इसमें आएंगे, और जो जो उसका चेक्ड जो होती है प्रॉपर्टी उसको हम फॉल्स कर देंगे चारों को, ठीक है, जो फॉल्स हैं वो फॉल्स रहेंगे, जो ट्रू हैं वो भी फॉल्स हो जाएंगे, बेसिकली कहने का ये मतलब है इसका, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट पेज डॉट एचटीएमएल जा रहे हैं, तो मैं आपको रिजल्ट पेज डॉट एचटीएमएल दिखा देता हूँ। तो रिजल्ट पेज डॉट एच टी एम एल में क्या कर रहे हैं, वही सेम काम है जो हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में किया था कि हाँ स्टाइल भी दिखा देता हूँ, देखिए ये सेम हुआ, सी एस एम में यहाँ पे लिंक कर ली और जावास्क्रिप्ट में बनाई नहीं यहाँ पे लगा दिया। एक चीज और की है हमने यहाँ पे कि कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर में नहीं था, हमने नहीं लगाया था किसी रीजन से, पर यहाँ पे कंटेंट कम है और हम इसको दोनों को मिडिल में दिखाना चाहते हैं, तो बाकी की प्रॉपर्टी तो इस वाली फाइल से आ गई, बाकी की प्रॉपर्टी तो आ गई, लेकिन हमें जस्टिफाई कंटेंट भी चाहिए, इसलिए हमने वो यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है, ठीक। अब सेम वे हमने कंटेनर यहाँ पे यूज किया था और वही टेक्स्ट भी हमने जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यूज किया वही यहाँ पे यूज किया है, बस यहाँ भी हमने H1 एक एलिमेंट ले लिया जिसके हमने आईडी भी स्कोर। अब जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लगाई है किस लिए, लोकल स्टोरेज से जो हमने आइटम स्टोर कराया था उसको लेने के लिए, तो एक वेरिएबल लिया उसमें हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज और गेट आइटम हमने क्या सेट किया था, स्कोर सेट किया था, स्कोर से हमने गेट कर लिया, फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी और स्कोर में इनर एचटीएमएल कॉल करके स्कोर को इसमें दिखा दिया आपका। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है वर्जन 1 ऑफ क्विज ऐप जिसमें हमने हार्ड कोडेड दिखाए थे। अब नेक्स्ट हमने नए नए वर्जन बनाएंगे जिसमें हम टाइमर लगाएंगे और बैकएंड से कुछ पार्ट हैंडल करेंगे, सर्वर साइड से कुछ रेंडरिंग करेंगे, तो ये सब काम हम करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में। इस प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो को कैसा लगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।